नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। उद्धव ठाकरे सरकार की पूरी कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से शरद पवार या संजय निरुपम जैसे नेताओं ने जो कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई हुई उसका उन्होंने विरोध किया, इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या तीनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जब लाइव सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि वो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक साइक्लोन को फेस कर रहे हैं। तो इस राजनीतिक साइक्लोन का मतलब क्या है? क्या शिवसेना की विचारधारा एनसीपी या कांग्रेस से मेल नहीं खा पा रही? क्या अभी भी इन तीनों दलों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया? हालांकि लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जाता है या शिवसेना की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आता है कि सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप याद करें तो कुछ दिनों पहले भी शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे घर के अंदर बंद हैं उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे को जनता के बीच जाना चाहिए था, जनता से मिलना चाहिए था और जनता के सवालों का या जनता की परेशानियों का निवारण करना चाहिए था, लेकिन वो फिलहाल घर में क्वारंटीन है और पूरे ऑफिस को घर से ही चला रहे। शरद पवार के इस बयान के कई सारे मायने थे। दरअसल शरद पवार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिल्कुल फ्रंट फुट से खेलें, वो बैक फुट पर ना जाएं, क्योंकि इस उम्र में भी शरद पवार जिस तरीके से एक्टिव हैं उस तरीके से उद्धव ठाकरे एक्टिव नहीं है। हालांकि उनकी ऑफिस की तरफ से ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे का पहले ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए इस कोरोना काल में वो थोड़ा एहतियात बरत रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जो नेता पूरे ऑफिस को अपने घर से चला सकता है तो उसे जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए था। खैर, विवाद यह नहीं है। विवाद की मुख्य वजह कंगना रनौत बनी, क्योंकि कंगना रनौत के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आई उससे यही कहा जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में राजनीतिक साइक्लोन फेस कर रहे हैं, यह राजनीतिक साइक्लोन या तो शरद पवार की तरफ से है या कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि शरद पवार का बयान लगातार ये बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब सुपर पावर शरद पवार हैं, ना कि उद्धव ठाकरे। वहीं आप अगर उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति को देखें तो वो खुद कम बोलते हैं और शिवसेना की तरफ से या संजय राउत की तरफ से ऑफिशियली बयान ज़्यादा आता है, यानी कि पार्टी का बयान ज़्यादा आता है और सरकार का बयान कम। इससे सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या सरकार को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए, जब खुद सरकार के सहयोगी दल उस पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर पार्टी को क्यों सामने लाया जाता है? सवाल कई हैं, लेकिन जिस राजनीतिक साइक्लोन की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है और उद्धव ठाकरे भी लगातार बचते बचाते इस मुश्किल घड़ी में अपनी सरकार को बस बचाए हुए हैं और किसी तरीके से सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे तो पूरे देश ने देख लिया।